के कई मजदूर युवक युवती राजस्थान के अलवर में फंसे हुए हैं। लोगों ने वेतन नहीं मिलने को लेकर वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है। मामले को लेकर रायपुर में मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी नेता संजय पराते ने कहा है कि भाजपा सरकार के दौरान राज्य में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसमें कांकेर के आदिवासी युवक युवतियों को प्राइवेट कंपनियों को नौकरी दी गई। राज्य के ऐसे ही 3000 लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, जिनको वापस लाने में सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। मामले में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया है। लॉकडाउन नहीं होता तो ये मामला भी शायद सामने आने में बहुत देरी होती। ये मामला सामने आया है, 7-8-9 हजार रुपए में इनसे 12-12 घंटे काम करवाया जा रहा है। इन्हीं में वो अपना मकान किराया दे रही है, पेट पाल रही है और घर के लिए भी भिजवा रही है। तो एक तरीके से सरकार ने सुनियोजित रूप से इनको बंधुआ चाकरी में फंसा दिया है। तो जब उन्होंने संपर्क किया तो फिर मैंने उनसे बातचीत किया। मेरे पास उन लड़कियों के, भूपेश बघेल जी से अनुरोध करते हुए वीडियो है, उन लड़कियों की बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग है और इनके जो संबंधित अधिकारी है जिनके बारे में इन लड़कियों ने बताया उनकी भी बातचीत मेरे पास रिकॉर्ड है और उन्होंने स्वीकार किया कि पूरे देश भर में 3000 ऐसे लड़के और लड़कियां फंसी हुई है। और अब सूरज